अस्सलाम वालेकुम, आई मनीष फातिमा। वेलकम टू द मेडिक्स पे पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्चुअल एंड क्विक वीडियोस बनाए जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। यहाँ पे ऐसे हम देखेंगे, हमें जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना आता है कॉन्जुगेट एसिड या फिर बेस, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। उन्होंने जिस तरह हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी होगी कि कॉन्जुगेट बेस हमने फाइंड आउट करनी है NH4 की, तो यहाँ पे गौर करें थोड़ा कि कॉन्जुगेट बेस किसकी होती है, एसिड की। जो उन्होंने हमें दिया है वो क्या है, एसिड है। और एसिड क्या करता है, जो एच पॉजिटिव है ये डोनेट करता है। यहाँ पे हमने ले लिया अपना एसिड दैट इज़ NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और हमने क्या कहा था, ये एसिड है डोनेट करेगा, मतलब लूज करेगा, इसमें से एक निकल जाएगा। एच पॉजिटिव निकला, NH4 था, बाकी यहाँ पे क्या रह गया, NH3, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्होंने कहा है कॉन्जुगेट एसिड हमने फाइंड आउट करना है HSO4 नेगेटिव का। कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है, बेस का, मतलब ये जो गिवन है दैट इज़ अ बेस। और बेस क्या करती है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है। तो HSO4 में ये एक एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, पहले एक एच था, यहाँ पे कितनी होगी, दो एच हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमें क्या करना होता है, हमें हाइड्रोजन आइंस भी हाइड्रोक्सिल आइंस हैं वो फाइंड आउट करने, उनके नंबर कितनी डिसोसिएशन हुई है, लाइक फिर pH और pOH वगैरह। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमें जो पूछा जाएगा जिसमें हमें उसकी क्या होगी, मोलारिटी लाइक गिवन होगी और परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन होगी, उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। हमें ज़्यादा इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है हमें बस यहाँ पे हमें इतनी मोलारिटी कितनी, मतलब कि लाइक होगी मोलारिटी कि कितना उसकी मोलर है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन लिख दिया वो लिख देना है, उसका परसेंटेज डिसोसिएशन हमने बस लिख देना है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन इनके हम कब लिखेंगे नंबर, इन केस ऑफ द एसिड, और हाइड्रोक्सिल आयन के हम नंबर्स लिखेंगे इन केस व्हेन वी आर गिवन अ बेस। हमें ये करनी है, इधर हमें इसकी pH फाइंड करनी है 0.5 मोलर H2X की व्हेन इट इज़ 10% डिसोसिएटेड, ठीक हो गया। फॉर्मूला था कितनी मोलारिटी इसका जो है 0.5 मोलर है, ठीक है, हमारे पास H2X, उसके बाद हम लिखने परसेंटेज डिसोसिएशन 10 है तो 10/100 10%, इसको हम इस तरह लिखेंगे 30% डिसोसिएटेड होता तो हमने उसको लिखना था 30/100 इनटू नंबर ऑफ, हेयर वी कैन सी इट्स एन एसिड, ठीक है, H2X है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, किस तरह हमें पता लगेंगे H2X जब से डिसोसिएट होगा 2H++ X नेगेटिव, इतने बनेंगे दो हाइड्रोजन आइन बनेंगे, और यहाँ पे एक बनेगा नेगेटिव आइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू, इसके टू हाइड्रोजन आइन बनेंगे। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 10^-1, इसका हम लॉग लेंगे, ठीक है, -log 10^-1, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा -1 तो ये भी माइनस था, तो माइनस प्लस, और लाइक हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्या आंसर है, हमसे पूछा था pH फाइंड आउट करने की, इसकी pH आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं उसमें भी बताना होता है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, आइंस की कोई भी उन्होंने दिया होता है जो भी कंपाउंड वगैरह एसिड बेस, फिर बताना होता है कितने जो है उसमें हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस में हुए हैं डिसोसिएट हुए हैं, ये हमने बताना होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि उन्होंने बताया है pOH ऑफ द अल्कोहल इज 10 और हाइड्रोजन आयन है ये हमें फाइंड आउट करनी है, कितने डिसोसिएटेड है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे pOH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसके लिए बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, आपको क्या करना है, जस्ट 10^-x, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, pH दी हुई है या फिर pOH दी हुई है, बस वहाँ पे ये लिख देनी है, ठीक है, लाइक pOH यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 10^-, और ऊपर 10 बस हमने लिख दिया, तो ये क्या आ गया है pOH, मतलब pOH में क्या होगा हमारे पास, OH नेगेटिव की ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। pOH टोटल कितनी होती है, 14, हमने फाइंड आउट की है 10^-10 है OH नेगेटिव आइंस, तो बाकी कितने बचे, 14 इसे करने के लिए 4 बचे ना, तो 10^-4 होगा तो ये 14 हो जाएगा, तो 10^-4 हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन आइंस जो डिसोसिएट हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, उन्होंने कहा pH हमें फाइंड आउट करनी है इतने मोलर सॉल्यूशन NaOH का, अब गौर करें, उन्होंने दिए हमें बेस हुई है,
ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीएच करनी है। तो बेस के लिए पहले हम पीओएच फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसकी पीएच फाइंड करेंगे। एसिड होता तो हमने डायरेक्टली पीएच फाइंड आउट कर लेनी थी। यहाँ पे देखिए इसका पीओएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग और ओएच जो भी है हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बस उन्होंने दिया हुआ, बट इसको हम टेंस में माइनस थ्री भी लिख सकते हैं ना। देखिए इधर इस तरह माइनस लॉग टेंस माइनस थ्री लिखकर सॉल्व आउट किया, यहाँ पे आती है पीओएच थ्री। पीएच फाइंड आउट करनी है, पीएच का फॉर्मूला होगा पीएच इज़ टू, टोटल कितनी है 14, पीएच इसमें से माइनस करेंगे 3, इट विल कम टू बी 11। तो इसकी पीएच कितनी होगी 11। फिर आ जाता है हैंडरसन जो इक्वेशन है, उसमें से बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपको ये मेमोराइज कर लेनी है अच्छे से। ठीक हो गया, जो इसका वैसे तो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द पीएच लाइक पी के प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाय एसिड कंसंट्रेशन। जिसमें कंडीशन जो हमने चीज़ें याद रखी हुई है, अगर तो जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के, तो पी एच होगी हमारी इक्वल टू द पी के। लेकिन अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, देन पी एच विल बी ग्रेटर देन द पी के। एंड हेयर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा कि जिस तरह सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो पी एच क्या होगी हमारी कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पी के। और वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर हेयर कि जो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी हमारी पीएच ज़्यादा होगी। इसी तरह पीओएच में है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि पीके भी है यहाँ पे सेम लाइक दैट, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही, और पीएच की जगह क्या हो जाएगा पीओएच लाइक। सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो पीओएच और पीके भी इक्वल होगा, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है बेस से तो पीओएच ज़्यादा होगा पीके भी कम होगा, और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस, देन जो है पीओएच होगी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पीके भी। और इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसका रेशियो जितना ज़्यादा होगा ना ग्रेटर होगा उतने ही ज़्यादा इसकी पीएच होगी, पीएच होगी, और जितना ही कम होगा उतनी ही कम हमारी पीएच होगी। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।